महुआ मांझी जी, इससे आप देख ही रही हैं कि बाकी जितने हमारे मेहमान हैं, खास तौर पर जैन समुदाय से जो आते हैं, कितने प्रसन्न हैं इसको लेकर के। लेकिन हमने ये देखा, राज्य की सरकार बार बार केंद्र से कह रही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप करिए, और केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही थी दिसंबर के महीने में राज्य सरकार को कि भाई आप हमको सिफारिश भेजिए। तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इसे पहल कौन करेगा। चलिए पहल केंद्र की तरफ से हो गई, लेकिन वही सवाल है कि आए पहले नहीं हो सकता था। देखिए, आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने पत्र लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा है, और उसमें उन्होंने यह उनसे कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से 2 सितंबर 2019 को जो जारी अधिसूचना थी उसे बदलने को का आग्रह किया है। आपको पता ही होगा कि ये जो पर्यटन स्थल उसको घोषित करने की बात पहली बार भाजपा सरकार ने 2019 में की थी, केंद्र से इसकी सिफारिश की थी, और ये 26 फरवरी 2019 का डेट इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस गजट में, ये है। ठीक कह रही, उसके बाद हाँ उसके बाद केंद्र सरकार ने एक और भेजा था जो कि 2 अगस्त 2019 का है ये, और ये वर्तमान में अभी मेरे पास एक पत्र है जिसमें हमारे राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ में मांस मदिरा के विक्रय पर और उसके उपभोग पर रोक है। ये देखिए, उपायुक्त को लिखा गया चिट्ठी है सरकार के सचिव द्वारा। तो राज्य सरकार, जो वर्तमान सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार, इस सरकार की तरफ से उस तरह की कोई गलती ऐसी हुई नहीं जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं भी यहां हमारे मैंने एक पत्र देखा अभी महाराज जी के पास ही था, वो पत्र जिसमें आपकी पर्यटन नीति का जिक्र किया गया था। नहीं, सम्मान, बहुत सारा सम्मान है यहाँ पर, और सब लोग यहाँ बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़िया और श्री समीर शिखर जी आज से नहीं है, ये सैकड़ों साल से हैं, और यहाँ पर हमारे अत्यंत सम्मानित जो जैन तीर्थंकर हुए 24 में से 20 वहां आए, कभी उनको किसी को कोई यहाँ परेशानी नहीं हुई, सभी लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया, आदर किया। वर्तमान में अगर कोई परेशानी आई है तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, इन्होंने आदेश दे दिया है, इन्होंने केंद्र सरकार के हमारे जो मंत्री हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी को पत्र भी लिखा है, आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं, मैं ट्वीट दिखाती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। नहीं नहीं, उनका पत्र है, मैंने पत्र पढ़ा, वो तो एक खबर आई नहीं, तो वो पत्र हम वो पत्र पूरा दिखाते हैं। मैं आपकी आप जो कह रही है उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल रहा हूं, मैं केवल जो बात अभी प्रदीप जी कह रहे थे उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग पर्यटक और तीर्थयात्री के बीच का फर्क करते हैं या नहीं करते हैं। आपने ठीक बताया, पिछली सरकार में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तब ऐसी बात हुई थी, उसके बाद ही केंद्र ने गजट निकाल करके बताया कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, जिसको आज उन्होंने वापस लिया है। लेकिन आपकी सरकार की भी पर्यटन नीति जो 2021 की है, मैं उसको कोट कर रहा हूं, जैसे उसमें ही लिखा है कि धार्मिक दृष्टिकोण से राज्य के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, पारसनाथ मंदिर, माँ भद्रकाली मंदिर, रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, वासुकीनाथ धाम राज्य में धार्मिक पर्यटन की संभावना बढ़ाते हैं। वो उनका एक कहना था कि धार्मिक और पर्यटन ये एक साथ नहीं होने चाहिए कभी भी, ये धार्मिक पर्यटन शब्द ही गलत है। इस पर आगे बात हम करते हैं। जैन साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, संजय जी जो हैं इसके बारे में अब तक पूरी जो है जानकारी ले चुके होंगे। संजय जी, मुझे ये बताइए कि कोई मांग शेष है? हेलो जी, हेलो जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या कोई मांग शेष है अभी? नहीं नहीं, देखिए जिस प्रकार से विस्तृत रूप से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने जो लेटर जारी किया है, एक्चुअली जो हमारी मांग थी को सेंसिटिव जोन में जो नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज आपने लिखी थी उसको तो उन्होंने स्टे किया ही है, साथ साथ उन्होंने इसको विस्तृत रूप से पैरा नंबर 3 में उसको विस्तृत रूप से लिखा है, जो मेन बात थी कि ट्रैकिंग और कैंपेनिंग नहीं हो सकती, और छोटी छोटी बातों को जो लिखा गया है विस्तृत रूप से वो बहुत प्रशंसनीय है, और जो हमारे सकल जैन समाज की चिंता का विषय था, और जो हमारे माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी ट्वीट मुझे 3 बजे प्राप्त हुआ था, आपने भी अपने जो पत्र है उसमें भी इसी एक तरह से सरकार को ऑथराइज किया था कि भाई आप इस गजट नोटिफिकेशन में जो भी चाहे आप कर सकते हैं, और उन्होंने भी वही जो हमारी मांगे हैं, जो चाहे हमारी केंद्र सरकार से मांगो चाहे हमारी झारखंड सरकार से मांगो, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने ट्वीट से ट्वीट हैंडल से इसको ट्वीट किया है और अपने लेटर एड पर किया है। तो मुझे आशा है कि जिस प्रकार से जो भी वहाँ पर देखिए, चाहे हमारी झारखंड सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, जैन धर्म के हमारे सर्वोच्च तीर्थ को उसको पवित्र रखना चाहती है, एक ही मंशा है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से डायरेक्शंस हैं, एक लेटर है, और उसके बाद जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने अपना एक पत्र जारी किया है,
तो हमारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं दूर करता है। लेकिन मैं इसी निवेदन को अब हाथ जोड़कर अपनी झारखंड सरकार से विनती करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर ट्रैकिंग जो अब फर्दर, क्योंकि ये अब बहुत बड़ा कार्य है, झारखंड सरकार के पास भी आ जाता है कि उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहाँ पर आपको व्यवस्थाएं कुछ थोड़ी सी देनी होंगी। वहाँ पर कुछ तो लेटर जारी भी कर दिए गए हैं कि मांस मदिरा का बिक्री ऑलरेडी 20 तारीख में मेरे को मिला था, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, बीड़ी सिगरेट या जो अलेंगदो ट्रैक थोड़ा सा अतिक्रमण हो चुका है, मैं निवेदन करूंगा अपनी झारखंड सरकार से कि अगर वो संज्ञान ले, पहाड़ पर कोई भी जा सकता है, लेकिन वो पर्वतारोहण या घूमने या अश्लीलता जिस प्रकार से 15 जनवरी को किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।